पर किसी ने वैसा मन नहीं बनाया है परमेश्वर, अगर तू अपने दास को अपने दास के मुंह से ऐसे बोल रहा है तो मेरा मेरी सैलरी आप इतनी कर चुकी हूं, मैं इतनी बो चुकी हूं, मैं लाखों बो चुकी हूं। क्योंकि कभी कभी हम शरीर में होते हैं तो शरीर का विश्वास करते हैं, आत्मा का नहीं करते। बोलो कि आत्मा का विश्वास, आत्मा का नहीं करते कि परमेश्वर मुझे लाखों दे मैं लाखों बोऊंगी, मुझे करोड़ों दे क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, क्योंकि दिल नहीं होता। पर जब दिल होता है तो परमेश्वर रास्ते खोलता है। जैसे ये 18 सितंबर की मीटिंग में आए थे और जब प्रभु के दास पीच के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से प्रोफेटिक वर्ड आया, हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर है और जे मालूवाल गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि जे सिस्टर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और जे बता रहे हैं कि जब जे काम करते थे उस समय इनकी जो सैलरी थी वो पहले 6,500 थी और जैसे जे परमेश्वर में अपने बीज अपने विश्वास को वफादारी से परमेश्वर के आदर के लिए देते रहे तो फिर परमेश्वर ने इनकी जो सैलरी थी वो 7,500 हो गई। और जो विश्वास करते रहे धन्यवाद देते रहे क्योंकि इन्होंने पहले भी अपनी टेस्टामनी दी थी और उस समय भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनके लिए वर्ड दिया था कि परमेश्वर आपकी सैलरी को बहुत ही जल्द बढ़ाने वाले हैं। तो उस समय से जो विश्वास में बने रहे धन्यवाद देते रहे। और जो सिस्टर बता रहे कि जैसे ये 18 सितंबर की मीटिंग में आए थे और जब प्रभु के दास पीच के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से प्रोफेटिक वर्ड आया कि जो लोग दिहाड़ी करते हैं जहाँ सब्जी का काम करते हैं जहाँ शोरूम में काम करते हैं जहाँ किसी के घर का काम करते हैं जहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं तो सच में परमेश्वर आज उनके बीज को ब्लेस करने वाले बढ़ाने वाले। तो उस समय जो सिस्टर ने रिसीव किया क्योंकि जो सिस्टर फैक्ट्री में काम करते थे, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। भी निकालते हो उनका दुख भी बढ़ेगा। तू दिहाड़ी लगाता है, मैंने कहा तू दिहाड़ी लगाता है तुझे उसमें दिहाड़ी से भी वो आशीष बढ़ाएगा। तू एक औरत है, तू किसी के घर का काम करती है, तू अपने घर में काम करती है, कैसा भी कोई काम क्यों नहीं है, तुम सब्जी का काम करते हो, तुम किसी शोरूम में करते हो, किसी फैक्ट्री में करते हो, मैंने कहा वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे सिस्टर 18 सितंबर की मीटिंग में आए थे उस दिन उन्होंने इस वर्ड को विश्वास के से रिसीव किया और उसे धन्यवाद देते रहे। और आज ये सिस्टर बता रहे कि जो इनकी सैलरी थी पहले 7,500 थे, अभी परमेश्वर इनका 2,000 और बढ़ा दिया है, अभी इनकी जो सैलरी है वो 9,500 हो गई है। और सच में जो बता रहे कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया धन्यवाद देते रहे, आज परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया है। इस ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कलीसिया चोर से दिल से परमेश्वर के नहीं पहाड़ खलो सकदा, ने चायक के नहीं पहाड़ खलो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा। हालेलुया सब कुछ हो सकता। आज आपने एक ब्लेसिंग की गवाही सुनी ना एक सिस्टर की कि मेरे मुंह से परमेश्वर ने ऐसे दिया जो दिहाड़ीदार हैं, जो रेड़ी का काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी शोरूम में काम करते हैं, जिसमें भी करते हैं, आज जितने लोग अपने बीज को बोएंगे विश्वास से बोएंगे उनका बीज बढ़ेगा। सुनी ना गवाही, उनका बीज जो चाहता है कि परमेश्वर मेरे मुझे ज्यादा दे मैं ज्यादा करूंगी, मैं ज्यादा करूंगा। कितनों ने सुना इस गवाही को कि परमेश्वर मुझे ज्यादा दे। देखो जब उस सिस्टर ने शुरू किया तो उसकी सैलरी कितनी थी, कितनों को पता कितनी थी, सबको कईयों को सबको भी नहीं पता था, ये बहुत कमजोरी है लोगों की। कितनी थी, कितनी थी, और उससे पहले उसे उसके बाद कितनी होगी थी, कहां पे वो सिस्टर, हाँ, क्योंकि उससे पहले भी इसको वचन दिया था परमेश्वर ने कि तेरी सैलरी 6,500 नहीं,
कितनी होगी, आपको वो क्लिप में दिखाएंगे उस मीटिंग का निकाल कर, नेस्ट बोलो क्या है, नेस्ट दिखाएंगे आपको। मैंने कहा था आपकी साढ़े छह नहीं आपकी दस होगी, पर थोड़े समय बाद जब मैंने बोला तो कितनी होगी, साढ़े सात होगी। पर इस कितनी तारीख को ये जो इन्होंने रिसीव किया, कितनी तारीख थी उस दिन, हाँ 17 सितंबर को इन्होंने ये वर्ड रिसीव किया मेरे मुंह से कि जितने लोग आज विश्वास से बोएंगे और ये चाहत करेंगे कि परमेश्वर मेरे बीज को बढ़ा, मैं ज्यादा बोऊंगी। क्या उस दिन और लोगों ने नहीं रिसीव किया होगा, बताओ मुझे, और लोगों ने ये रिसीव नहीं किया, परमेश्वर अगर ये वचन तेरे दास के मुंह से आ रहा है तो अब मेरे लिए कर चुकी है। ये तो वो बात होगी ना, यीशु मसीह ने कहा 10 कोढ़ियों को जाकर अपने आप को जाजकों को दिखाओ, तो एक वापस आया तो यीशु ने पूछा क्या 10 अच्छे चंगे नहीं हुए, क्या 10 चंगे नहीं हुए, क्योंकि वचन तो परमेश्वर सबको देता है एक समान, वो पक्षपात भी नहीं करता। पर किसी ने वैसा मन नहीं बनाया है, परमेश्वर अगर तू अपने दास को अपने दास के मुंह से ऐसे बोल रहा है तो मेरी सैलरी आप इतनी कर चुके हो, मैं इतनी बो चुकी हूं, मैं लाखों बो चुकी हूं। क्योंकि कभी कभी हम शरीर में होते हैं तो शरीर का विश्वास करते हैं, आत्मा का नहीं करते। बोलो कि आत्मा का विश्वास, आत्मा का नहीं करते कि परमेश्वर मुझे लाखों दे मैं लाखों बोऊंगी, मुझे करोड़ों दे क्या करूंगी मैं क्या करूंगा, क्योंकि दिल नहीं होता। पर जब दिल होता है तो परमेश्वर रास्ते खोलता है। अब कितनी होगी सैलरी, कितनी होगी, बस पहुंच गए 500 कम रह गया है, वचन पूरा होने में 500 कम नहीं, ये ऊपर जाएगा, ये जल्द गवाही देंगे ऊपर जाएगा। मैंने कहा 500 घटता है, जो खुदा ने मेरे मुंह से जो वचन दिया था ना, जब 6,500 थी मैंने कहा 10 होगी पूरी 10, पर अभी 500 कम है, पर अभी 500 से ऊपर जाएगा, 10 से ऊपर जाएगा, देखना आप गवाही सुनोगे, क्योंकि जो चाहता है परमेश्वर से देता है। आमीन।